आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ठीक है तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट डेफिनेशन है प्रोडक्शन फंक्शन कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है सो प्रोडक्शन फंक्शन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ गुड तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताता है एक टेक्निकल रिलेशनशिप बताता है किसका किसके बीच में इनपुट और आउटपुट के बीच में यानी कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमें ये बताएगा कि कितने इनपुट से कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट यानी कि अगर हम इतने इनपुट यूज़ करते हैं तो कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक रॉ मटेरियल है लेदर ठीक है तो अब जो ये लेदर है वो कब एक यूजफुल थिंग में कन्वर्ट होगी जब इस लेदर से या तो कुछ शूज़ बनेंगे है ना या कोई बैग्स बनेंगे या कोई फ़ाइनल कोई भी फाइनल कॉमोडिटी बनेगी है ना सो so, जो ये लेदर है लेदर हमारे पास क्या है इनपुट है और इनपुट से क्या बन रहा है आउटपुट यानी कि शूज़ ठीक है तो इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल तो ये जो ये लेदर है वो रॉ मटेरियल है और उस रॉ मटेरियल से जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है लेदर से कौन सा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है शूज़ हो सकते हैं बैग हो सकते हैं या कोई भी फाइनल कॉमोडिटी जो कंज्यूमर के यूज़ में आए है ना जिससे कंज्यूमर की यूटिलिटी बढ़े प्रोडक्शन का मतलब यही होता है ना प्रोडक्शन का मतलब क्या कि रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड एक यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करना ठीक है तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब इट इज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ठीक है फॉर एग्जाम्पल क्यू इक्वल्स टू के इन टू एल तो यहाँ पर क्यू क्या है अमाउंट ऑफ वीट प्रोड्यूस तो हमने एक क्वान्टिटी लिया है एक प्रोडक्ट लिया है जिस जो हमने वीट लिया है तो केव मतलब कितनी वीट प्रोड्यूस हुई है और के एंड एल हमारे पास क्या है इनपुट यानि कि इस वीट को प्रोड्यूस करने के लिए केव क्या, क्या है एक आउटपुट है तो उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने कितने इनपुट यूज किए हैं तो इनपुट क्या है के के एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर्स एंड एल क्या है नंबर ऑफ़ आर्स ऑफ वर्क डन इन अ डे यानी कि के हम हमारे पास लैंड हो गया एल हमारे पास लेबर हो गई ठीक है तो ये दोनों क्या है लैंड और लेबर हमारे पास क्या है इनपुट और हमारे पास आउटपुट क्या है वीट सो प्रोडक्शन फंक्शन हमें ये बताएगा कि अगर हमने वीट प्रोड्यूस किया है तो वीट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने कितने इनपुट प्रोड्यूस किए हैं कि, अपने हमने कितने इनपुट यूज़ किए हैं ठीक है फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 250 फिफ्टी इक्वल्स टू सेवन लेबर और टू कैपिटल तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब कि जो सेवन यूनिट्स ऑफ लेबर हैं और टू यूनिट्स ऑफ कैपिटल हैं वो मैक्सिमम 250 आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हम आउटपुट चेयर्स लेते हैं ठीक है तो आउटपुट हमारे पास यानी कि फाइनल कॉमोडिटी हमारे पास चेयर्स है सो so तो ये इक्वेशन क्या बता रही है कि सेवन यूनिट ऑफ लेबर और टू यूनिट ऑफ कैपिटल मैक्सिमम कितनी चेयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं टू फिफ्टी तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताता है कि मैक्सिमम आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो सकता है विद गिवन इनपुट्स और विद गिवन रॉ मटेरियल्स ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है प्रोडक्शन फंक्शन ठीक है अब प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाइज

गिवन आउटपुट से यानी कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें गिवन इनपुट क्या था गिवन इनपुट था सेवन लेबर एंड फाइव कैपिटल तो उस इनपुट से हम मैक्सिमम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हमने क्या लिया था वो टू फिफ्टी ठीक है तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या स्पेसिफाई करता है कि हम गिवन इनपुट से मैक्सीम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं और मिनिमम क्वान्टिटी ऑफ इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट और मिनिमम इनपुट से कम से कम इनपुट से हम कितना लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं है ना तो अगर हम कम इनपुट यूज़ करते हैं तो जो प्रोड्यूसर है उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर लेबर वो कम यूज़ करता है और कैपिटल पर भी लैंड पर भी उसको रेंट कम देना पड़ता है तो उसको एक तरह से ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा क्यों क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है उसको लेबर को कम पैसे देने पड़ेंगे है ना उस क्योंकि अगर कम लेबर है तो वेजेस भी उसको उसके अकॉर्डिंगली कम देनी पड़ेंगी है ना रेंट भी कम देना पड़ेगा तो इसलिए उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो जो प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा यही देखेगा कि मैं गिवन जो प्रोड्यूसर है वो यही देखेगा कि मैं मिनिमम इनपुट से कितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूँ या सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूँ ठीक है तो ये फर्स्ट पॉइंट था सेकेंड है इस इट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट जो कि हमने अभी देखा कि जो प्रोडक्शन uh, फंक्शन है उसका मेन एम ही क्या होता है कि वो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप देखता है थर्ड इट ऑलवेज़ डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू गिवन टेक्नोलॉजी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है अगर फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो इसका मतलब जो इनपुट है हम कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम सेम आउटपुट जो हम पहले आउटपुट प्रोड्यूस करते थे वो हम कम इनपुट में प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो आ जाती है तो ठीक है तो हमने आज इस वीडियो में क्या किया हमने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में डिस्कस किया तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है इट शोज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ गुड की जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ये बताता है कि फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है और इसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा था क्यू इक्वल्स टू के की अगर हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो हमें कितने इनपुट चाहिए होंगे या गिवन इनपुट से हम मैक्सिमम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है तो ये सब हमने क्या पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन ओके थैंक यू सो मच क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके मीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर